वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी यहां पर आने के लिए क्योंकि अभी स्कूल्स में कॉलेजेस में एग्जाम्स चल रहे हैं तो दर इज अ अस्ट्रॉग पॉसिबिलिटी आप अभी रजिस्टर करोगे और जल्दी से आपका नंबर आ जाएगा यानी वीडियो अपलोड होते ही अगर आपने रजिस्टर किया मेरी वेबसाइट पर दर इज अ अट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको एंट्री पास आएगा और आप यहां पर आ जाओगे Team, आज का ये जो सेशन है है। अभी तक कि मेरे मेरे जितने भी सेशन हुए उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले आया कि क्या हो जैसे पंद्रह से बीस मिनट के क्या हो अगर एक घंटे से ऊपर का सेशन है और उसमें नॉन स्टॉप एक के बाद एक रियल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें, कि आप में से ही कुछ लोग अपनी लाइफ की रियल जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और कैमरे में शेयर करने में कंफर्टेबल हैं समझ गए ना हाँ ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाए या कुछ थोड़ा सोच समझ करके संभल करके कैमरास लगे हुए हैं वीडियो अपलोड होने वाली है यूट्यूब पे तो तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है जब आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको पब्लिकली शेयर करने में अगर दिक्कत है तो प्लीज मत करिएगा नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी बाकी जो देख रहे होंगे उनको तो बड़ा मजा आएगा लेकिन आपका काम हो जाएगा तो आप प्लीज तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा यानी तभी अपना हाथ ऊपर करिएगा जब आपके पास में एक प्रॉब्लम है जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे पहले मैं अच्छे से समझूंगा उस प्रॉब्लम को फिर हम लाइव आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे यानी कि मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह उस सिचुएशन में हूं तो मैं क्या करूंगा तो आप चाहे यहां पर बैठे हो चाहे वीडियो में देख रहे हो

तब भी अंदर से खुशी नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्या हुई मेंटल प्रॉब्लम इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि मेंटली ये कोई बीमारी है या कोई इलनेस है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राइट right अंडरस्टैंडिंग से अभी इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है मतलब इसके लिए हमको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है इसके लिए हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं क्या है एक प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपके अंदर डर है कि अगर ये मूवमेंट चला गया तो क्या होगा तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो कि गुजरे हुए कल में मत जियो आने वाले कल में मत जियो अभी जो चल रहा है उसमें जियो उसमें जो कुछ अच्छा है उसको देखने की कोशिश करो अपनी जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है उसको इस तरीके से बनाओ कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ सही चल रहा है उधर आपका ध्यान होना चाहिए इसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा क्योंकि तो ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है हमारे आसपास में लोगों की बिल्कुल भी नहीं है जॉब लगती बाद में घर वालों को टेंशन हो चली गई तो इतनी दूर 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 दूर, दूर। नहीं हमें भी होती है टेंशन है ना जरा सा कुछ अच्छा होने लग जाता है है अरे 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 कहीं कहीं ये 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 ना 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 हो 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 जाए 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 वो तो तो पहला तो इसका ये है कि खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके अंदर से ये जो डर है ना ये पूरी तरह से निकल जाए जो इंसान कैपेबल नहीं होता है उसके अंदर हमेशा डर रहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है मान लेते हैं फाइनेंशियली तो डर किसके अंदर होगा जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगी उसके अंदर डर है तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाएगा बट जिसके अंदर ये है है कि अगर मेरे को तो मेरे को को जॉब जॉब से निकाल दिया तो तो इस कंपनी का नुकसान इससे लाख गुना बेटर मिलनी ही मिलनी है क्योंकि मेरे को पता है अगले दस साल बाद मैं क्या करने वाला हूं खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है डरती नहीं है दैट इज वन टू अपना जो नजरिया है वो ऐसा रखो कि लाइफ में जो कुछ सही हो रहा है उसके लिए डेली सुबह और रात को सोने से पहले यू मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट एंड ये अपने आप नहीं आने वाला इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा जैसे एक्सरसाइज अपने आप नहीं हो जाती है एक्सरसाइज के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है जो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है शुरू में बाद में जब बन जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है ऐसे ही ये जो डेली सुबह उठ करके अपने दिल में एक ग्रैटिट्यूड का भाव मतलब अपने दिल में एक थैंकफुलनेस टू द यूनिवर्स टू योर पेरेंट्स या जो भी कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है टू टू हेल्थ तु दिस ब्रेथ जो चल रही है बिना किसी रुकावट के टू योर आईज टू योर ईयर्स टू योर हैंड्स लेग्स वट जो भी कुछ सही है मैं ज्यादा नहीं कहता आप इक्कीस दिन भी प्रैक्टिस करके देख लो बहुत आसान है यूट्यूब पर आप जाओगे सीधा डालना ग्रैटिट्यूड ऑफ अस तो बहुत सारी अफर्मेशन आ जाएंगी कुछ हिंदी में है कुछ इंग्लिश में है तो उसको आप सुन सकते हो, मेरी भी अफॉर्मेशन है आप दुखी हो रहे हो आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो उल्टी सीधी कोई वेब सीरीज देख रहे हो <laughs> मैं बता रहा हूं आपको और फिर सवाल पूछ रहे हो कि खुशी क्यों नहीं है जिंदगी में अरे भाई जोम्बीज की सीरीज देख रहे हो आप तो उसके यहां से खून निकल रहा है चारों तरफ खून खच्चर हुआ पड़ा है और आप कह रहे हो रात को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं अरे जो देखोगे वही तो सपने आएंगे तो हैप्पीनेस इज एन आउटकम ऑफ 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 द द काइंड काइंड दैट दैट यू यू आर आर टेकिंग थॉट्स हैविंग तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा आई होप यू गॉट द आंसर थैंक यू सर लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ फॉर हर सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अब क्या है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ वैसे लेकिन वहाँ से यहाँ पे आके मैं अब जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे को क्या है कि जैसे ही मतलब सोचता हूँ कि साथ आपका जैसे वीडियो देखे या जितनी भी मतलब मोटिवेशन एक बार तो मिल जाता है लेकिन मतलब सात आठ दिन के बाद में मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब बहुत हो गया अब इसको छोड़ देते हैं मतलब कई बार तो ऐसा भी लगा कि यार घर भागने का भी मन किया उसके बाद में फिर भी दोबारा कंसिस्टेंसी बना के फिर वही सोच के फिर दोबारा उसी पे काम करना तो सर कैसे मतलब मैं और मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अब सर दोबारा इसको कभी नहीं कर पाएंगे तो सर कोई सोल्यूशन देखो प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं कि अभी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है जी सर और आपको ये बात पता है बड़े अच्छे से आसान है सर तभी तो तब आसान है हाँ। मतलब आसान है को हर जगह चेप दोगे सर वो तो <laughs> <laughs> अरे ना भाई एक मिनट रुको कहाँ से आसान है बहुत मुश्किल है आप ये बताओ आपने एफर्ट में कोई कमी डाली नहीं सर कोई कमी नहीं रखी पूरा एफर्ट किया था दबा के तो आप कह रहे हो एफर्ट आपने पूरा किया अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या आया उसको मेजर करना होगा अगर तो वहां पे माइनर डेविएशन है यानी आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सेकेंड बार में मैं कर लूंगा ये जो डिफरेंस है उसको अचीव कर लूंगा तब तो फिर उसको करने का सेंस बनता है लेकिन आप मान लो अगर उसको क्वालिफाई करने के लिए स्कोर चाहिए एक्स और अभी उस एक्स से आप बहुत दूर हो तो फिर आपको बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है ठीक है सर मिल गया आंसर मिल गया सर <laughs> क्या मिल गया अब जैसे मतलब जैसे मैं फिफ्टी परसेंट से लेक कर रहा हूँ अगर तो फिर मेरे को मतलब दोबारा सोचना सही है कि ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है अगर मैं उसमें थोड़ा ही लेक कर रहा हूँ जैसे पाँच छः मार्क्स ही अगर लेक कर रहा हूँ तो मेरे को मतलब दोबारा उसको दबा के फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको करना है फिर सर आसान है प्लाजा से सर मेरा इशू है कि सर आई एम ऑल्सो एन यू पी एस तो सर जब शुरू किया था तब बहुत जोश था इवन मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है बट स्टिल सर अब आई एम एन लाइक सोशल पर्सन तो जब यहाँ सर मैं इनिशियली आई थी तो आई एम लाइक कि मैंने सोच रखा था कि आई विल नॉट इंटरेक्ट दैट मच टू एवरी क्योंकि अगर मैंने इंट्रैक्शन शुरू किया तो आई विल गेट सोशल एंड आई विल लेग इन माई स्टडीज़ सर इनिशियली सर सब सही चल रहा था कि लाइक आई वॉज़ वेरी गुड लाइक इन स्टडीज पर अब सर जैसे जैसे मैं सोशलाइज हो गई हूँ आई एम हैविंग फ्रेंड्स तो सर ऐसा लग रहा है कि सर आई एम जस्ट गोइंग डीप इन टू दैट ओनली और सर कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में एक सेकेंड भी प्लान भी आना शुरू हो गया है तो सर अब मतलब लाइक दिमाग में लगने लग गया है कि शायद मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है अपने करियर के लिए तो दैट इज़ नॉट फॉर मी कि आई एम नॉट फॉर दिस इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसा इंसान होना पड़ेगा कि सिर्फ मैं अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ और सोशल ना हूँ ज़्यादा बट आई नो आई एम अ सोशल पर्सन और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना नेटवर्क बनाना वो मुझे कभी कभी लगती है कि आई एम फॉर दैट तो अब मुझे लगता है कि वापस पीछे जाना और यहाँ इतना खर्चा करने के बाद दैट इज़ नॉट दैट ईजी

बट आई डोंट नो सर मैंने एक्चुअली बीच में एनजीओ में वर्क करना शुरू किया था तो फ्रॉम देयर आई थॉट कि आई कैन डू इट्स लाइक मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है क्योंकि सोशल वर्क लाइक अगर कोई यूपीएससी uh, नहीं भी करना चाहता तो एवरी वन लाइक टू डू दैट बट मुझे पता नहीं क्यों वो करने के बाद लगा कि आई कैन डू दिस ऑल्सो एंड मच बेटर फॉर द सोसाइटी असली सोशल सर्विस होती क्या है ये हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया लेकिन ये कीड़ा हम सबके अंदर है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है है या नहीं है आप में से कितने हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं हाथ ऊपर करो और कितने हैं जो महा गिरे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि सोसाइटी के बाड़ में मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है कोई नहीं है तो सब अंदर से क्या बनना चाहते हैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं ये कीड़ा हम सबके अंदर है बाई डिफॉल्ट ऐसा ही हमको सिखाया भी गया है मॉरल साइंस की बुक्स में कि सबके लिए अच्छा करो ये करो वो करो बट एक्चुअल में सोशल सर्विस होती क्या है ये कभी हम पूछते ही नहीं है समझते ही नहीं है ध्यान से सुन लेना इस बात को अगर समझ गए तो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी क्या एक एक फ्लावर पार्क में है मान लो गुलाब का फूल है उसमें से खुशबू आ रही है वो सोशल सर्विस कर रहा है नहीं कर रहा है yes, नहीं कर रहा है वो क्यों कर रहा है सोशल सर्विस सोशल सर्विस हो रही है दोनों में बड़ा फर्क है उसके होने की वजह से वहां पर खुशबू है उतने दायरे में जहां पर वो है बट क्या वो सोच करके सोशल सर्विस कर रहा है क्या वो इसलिए खुशबू फैला रहा है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा लोगों की लाइफ बढ़िया हो जाएगी लोग रिलैक्स हो जाएंगे उसको सबसे फर्क पड़ता है तो गुलाब क्या कर रहा है वो जो है जैसा है वैसा है उसके होने की वजह से औरों को बेनिफिट हो रहा है इस बात को ध्यान से समझ लेना वो किसी की जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है ये नहीं कि उसके फ्लार के पास से कोई निकला और वो वहां पर उसने पेड़ के ऊपर देखा कि एक कोयल बैठी है और वो कुछ बोल रही है गा रही है वट और उसने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उस फ्लार ने कहा मेरे को कोयल बनना है ऐसा तो नहीं है ना तो फ्लार क्या कर रहा है बस वो वो जो कर कुछ भी नहीं कर रहा है वो जैसा है सो है कोयल क्या कर रही है किसके जैसा बन रही है जैसी है सो है बट उसके होने की वजह से सोशल सर्विस हो रही है ध्यान से सुन लेना मेरी इस बात को समझ लेना ये जो ठेकेदार होते हैं ना सोसाइटी के इनसे खतरनाक लोग कोई नहीं होते हैं। आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी मैं हर तरह के आदमी से मिला हूं आदमी औरत हुआ तो मुझे पता है अंदर से कैसे होते हैं तो कभी ठेका मतलब सोसाइटी का लुक एट योर लाइफ लुक एट योर पर्सनैलिटी वट पर्सन आर यू जैसे अभी आपने बोला कि मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है तो अगर आपका करियर ऐसा ही हो जहां पर कि आप लोगों से बात कर सको इंटरेक्ट कर सको और उसके लिए जो तैयारी कर दी है उस करियर के लिए उसमें भी कुछ ऐसा ही तो हो तो बढ़िया हो गई लाइफ यस yes, सर आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अब मैं क्या करूं क्या मैं इसको छोड़ या। yeah. छोड़ने के क्या है दुनिया बोलेगी बाहर में गई दुनिया बोलने दो क्योंकि अगर अभी नहीं छोड़ा और चार साल बाद छोड़ा तो दुनिया और बोलेगी सर अभी भी छोड़ना मुश्किल है अभी छोड़ना अगर मुश्किल है अभी तक कितने अटेम्प्ट दे चुके हो आप

सर तो आसपास देख के आसपास देख करके कुछ भी अच्छा लगा बस अट्रैक्ट हो गए और उसकी तरफ वो कर दिया और वो भी जब कुछ और देखते हो तो कुछ और माइंड में आने लग जाता है हाँ। जैसे अभी किसी को देखा तो यूपीएससी का माइंड में आ गया फिर शार्कटैक देखा तो बिजनेस का माइंड में आ गया ऐसा होता है नहीं होता है तो वो माइंड जो है वो इधर उधर छलांगे मारता रहता है क्यों क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं किसी को देख करके कर रहे हैं वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था फ्लार वाला और वो जो कोयल वाला जो एग्जाम्पल था कि हम किसी को देख करके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या कभी भी फ्लार कोयल बन पाएगा अगर वो बनने निकल गया तो मे बी शायद बन जाए <laughs> लेकिन उसके लिए पता नहीं कितना एफर्ट करना पड़ेगा तो वो हो गया एक मुश्किल रास्ता आसान रास्ता क्या है कि फ्लार बनने के लिए जो करना चाहिए वो सब उसके, उसके अंदर है तो वो बड़े आराम से बन सकता है एफर्टलेसली बन सकता है तो आपका जो बेसिक नेचर है उसको पहले एनालाइज करो समझो अब कैसे समझ आएगा You always fall back onto that basic nature of yours. It keeps pulling you from within, all the time. उससे related देखो क्या क्या careers है उसको choose करो आसान नहीं हो गया जैसे for example कोई इंसान बहुत ही creative है रोज सुबह वो इंसान उठता है और उसके mind में कोई अजीब से ideas आ रहे होते हैं ऐसे इंसान के लिए क्या UPSC अच्छा option है बुरा option है बुरा या बहुत बुरा option है क्योंकि तो UPSC को crack करने के लिए क्या चाहिए एक ऐसा mind चाहिए जो one pointed हो रेजर शार्प फोकस चाहिए कुछ सालों तक ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो रोज सुबह कुछ और ही इमेजिनेशन में चला जाए तो अगर किसी का ऐसा माइंड है मान लेते हैं हर एक का अलग अलग माइंड होता है बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर होता है मान लेते हैं किसी का ऐसा माइंड है जो बहुत ही क्रिएटिव है और वो काम ऐसा कर रहा है जो बिल्कुल ही नॉन क्रिएटिव है जहां पे क्रिएशन का आर्ट का डिजाइन का कोई नामो निशान नहीं है तो क्या वो कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा नो तो और सोचो अगर वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड आर्ट से रिलेटेड डिजाइन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड कुछ करे तो कितना आगे जा सकता है जा सकती है बस प्रॉब्लम क्या है यहां पे हम लोगों का दिमाग बंद है हमारा और हमारे घर वालों का हमें क्या लगता है यही बस दो चार करियर ऑप्शन है इसके बाहर तो सब मरे पड़े हैं सब भूखे मर रहे हैं और कहीं बाहर कुछ है ही नहीं बहुत ही बेवकूफों वाली अप्रोच है दिस इज ऑफ स ये एक बंद दिमाग की निशानी है और उसको लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी कि मुझे लगती है एक कुएं के मेंढक की तरह बट जिस इंसान ने पूरी दुनिया को देखा है एक्चुअल में उसको करियर काउंसलिंग करनी चाहिए ना कि उसके मां बाप को मैं इसको और थोड़ा सिंपल करता हूं अपने स्टैंड पॉइंट से कुछ बताता हूं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं एक पॉइंट पे मेरी भी एक तरीके से करियर काउंसलिंग हुई उसको आप करियर काउंसलिंग भी बोल सकते हो उसको कंसल्टेंसी भी बोल सकते हो उसको गाइडेंस भी बोल सकते हो अब वो गाइडेंस मुझे किसने दी जब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा था मैं कुछ बहुत ही गलत डिसीजन्स लेने वाला था उस बिजनेस में मैं सोच रहा था इसको एक साल बात करेंगे दो साल बात करेंगे तब कोई आए और उन्होंने आकर के मुझे बोला कि नहीं नहीं यू शुड आइडियली लॉन्च इट नाउ जितना आप डिले करोगे आपको मार्केट का रिस्पांस गेज करने में उतना ही टाइम लगेगा उतना ही आप इन्वेस्ट कर चुके होगे उतना ही टाइम वेस्ट कर दोगे पैसा वेस्ट कर दोगे फिर एंड में फेलियर उतना ही बड़ा हो जाएगा देन यू विल नॉट बी एबल टू पे विट तो ये उन्होंने मुझे आइडिया दिया थॉट था किन्होंने मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि यूएस से हैं उनका जो एक्सपोजर है, है तो वही अगर मैंने लिया होता किसी अपने ऐसे से, जो मानो, जिनका लाइफ को लेकर तो तो समझ ही नहीं आता उनको समझाने में मुझे चार महीने लग जाते इमेजेस बाजार नाम की चीज क्या होती है स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है अरे फोटो तो गूगल में फ्री में मिल जाती है कोई पैसे क्यों देगा उसके ये कैसा बिजनेस है बिजनेस तो हमें समझ आता है यहां से माल खरीदा वहां बेचा तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो ऐसी बातें करता अगर किसी ऐसे इंसान के पास में चला जाता जिसने जॉब करी है वो कहता तो, अरे बिजनेस में तो बड़ा रिस्क है तो ऐसा इंसान चाहिए जिसने लाइफ को पूरी तरह से देखा हो देर इज एब्सोल्यूटली नो लिमिट टू वॉट यू कैन डू इफ यू अलाइन योर करियर एज पर योर पर्सनैलिटी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ करते हो तो वह काम एफर्टलेस हो गया उसको सीखना भी एफर्टलेस हो गया बाद में उसको करना भी एफर्टलेस हो गया अगर आपकी पर्सनैलिटी से वो काम अलाइन नहीं है तो पहले तो उसको क्रैक करना ही नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है क्योंकि तो बार बार आपकी आपको एक तरफ तरफ खींचेगी और वो काम दूसरी तरफ काम दूसरी खींचेगा उस के लिए जो करना पड़ेगा फिर उसके बाद अगर आपका हो भी गया और उस काम में भी अगर आपकी पर्सनैलिटी से अलाइनमेंट नहीं है तो आप पूरी जिंदगी के लिए फंस गए आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला yes, कुछ थॉट प्रोसेस चेंज हुआ सर मुझे लगता है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मतलब अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए और अभी जिस सिचुएशन में हूं तो आई शुड गिव दिस नेक्स्ट अटेम्प्ट विथ ऑल माई एफर्ट्स फिर भी नहीं होता है तो आई विल गो विथ माई पर्सनैलिटी और उससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं सर एक आपके तरह <laughs> लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है एक मेरी तरह बट सर आई वॉन्ट ऐसे बिजनेस हजारों लाखों ऑप्शन हैं। इफ यू वॉन्ट टू डू बिजनेस बिजनेस में तो अनलिमिटेड ऑप्शन हैं। बट अगर बिजनेस नहीं भी करते इवन इफ यू आर 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 डूइंग अ जॉब देन आल्सो देयर मल्टीपल ऑप्शंस कनेक्टेड टू योर पर्सनालिटी बस ये याद रखना हमेशा लाइफ में मेरे जो प्रॉब्लम है कि मैं मेरे माइंड में तो चल रहा होता है कि मैं किसी को समझा दूंगा ये समझाऊंगा ये समझाऊंगा लेकिन लास्ट में जब उनके पास पहुंचता हूँ उनको समझाने जाता हूँ तो मेरा बिल्कुल माइंड ब्लैक हो जाता है कि मैं उनको क्या समझाऊंगा मतलब कि समझाता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कि उनको क्या समझा रहा हूँ मैं ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि नहीं रुको 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 य यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं कुछ बड़ा मजेदार देख रहा हूँ एम नॉट श्योर आप कैसे देखोगे कैसे नहीं बट थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं हमें ना ये गलत फहमी होती है कि हम किसी को कुछ समझा सकते हैं नंबर वन क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे ये गलत फहमी है कि आप लोगों को कुछ भी समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ <laughs> कुछ नहीं समझ आया है क्योंकि आप उसको समझ रहे हो अपने स्टैंड पॉइंट से आप उसको रिलेट कर रहे हो जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे मैं किसी और ही स्टैंड पॉइंट से कुछ बोल रहा हूं आप चाहो भी तो उसको नहीं समझ सकते तो इस गलत फैमी से बाहर आ जाओ पहले तो कि कोई भी इंसान कुछ भी समझेगा आपकी बात नंबर तो करना क्या है किसी को समझाना चाहते हो तो कैसे समझाए तो उसको समझाने की कोशिश मत करो पहले उसको समझो कि उसके डिजायर्स क्या हैं उसके फियर्स क्या हैं उसकी लाइफ में व्हाट इज इट दैट दैट पर्सन वांट्स कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है अगर वो आप समझ जाते हो देन एक पॉसिबिलिटी होती है कि अब आप उससे बात कर सकते हो अभी कम्युनिकेशन हो सकती है नहीं तो कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल सेल्स में बोलते हैं फीचर्स होते हैं बेनिफिट्स होते हैं जो घटिया सेल्समैन होते हैं यानी जो आते हैं और नॉन स्टॉप आपको तंग करके चले जाते हैं जिनके मुंह पे जाकर के आप अपने घर का दरवाजा ऐसे मारते हो जोर से और आप कहते हो बाग जाए से दोबारा मत आइए उनमें और ऐसे सेल्समैन में जिनको आप घर के अंदर बुला लेते हो क्या फर्क होता है लुक्स के अलावा <laughs> उनसे पता चलता है कि एक तो पहली बात तो जो सेल्स पिच मतलब वो चेप देते हैं बिल्कुल ओके आप ये चीज़ खरीद लो वो चीज खरीद लो नॉर्मल हाँ। जो है बिल्कुल नॉर्मलर तरीके से समझाते हैं कि आप ऐसे चीज़ें खरीदो हाँ। उससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे नॉर्मल मैं आपको और बताता हूँ ये भी आपने दो लेवल बताए हैं सेल्समैन के एक तीसरा लेवल भी होता है वो आपको कुछ भी नहीं समझाते वो आपसे पूछते हैं और वो समझ जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और वो बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बस खत्म अगर उस प्रॉब्लम के बारे में हजार चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं वो हजार नहीं बताते हैं वो दस भी नहीं बताते हैं वो एक ही बताते हैं वो एक कौन सी होती है जो आपकी प्रॉब्लम होती है उससे कनेक्ट कर देते हैं yes, किसी को कुछ भी समझाने से पहले आपको उनको समझना पड़ेगा फिर आप उनसे बात कर सकते हो उनके लेवल पर आकर के अदरवाइज यू कैन नॉट टॉक टू एनी और सब कुछ तो कभी भी किसी को नहीं समझाना है कुछ पत्ते बचा करके रखने सारे पत्ते नहीं खोल देने हैं चाहे आपके पेरेंट्स ही हों सही टाइम आने पे सही बात बोली जाती है अगर सब कुछ ही जाकर के आप बोलने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए कोई करियर चूज करना चाहते हो और आपके घर वाले अगेंस्ट हैं अब आप कह रहे हो उनको जाकर के मुझे समझाना है कैसे समझाओगे ध्यान से समझो पहले उनके माइंड में क्या चल रहा है उनके माइंड में ग्रोथ नहीं चल रही है आपके माइंड में ग्रोथ चल रही है आपके माइंड में, में चल रहा है कि इस बिजनेस से इतने साल में दस गुना पैसा कमाया जा सकता है उनके दिमाग में ये सब नहीं चल रहा है उनके दिमाग में चल रहा है कि ये जो पैसा हम लगाएंगे उस पैसे का क्या है भाई वो डूब गया तो क्या होगा नंबर नंबर आपकी लाइफ की सिक्योरिटी क्या है उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है और दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जनरेशन गैप है दोनों बुद्धू <laughs> बता रहा हूं मतलब क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे ना कि सामने वाले को चाहिए क्या है क्योंकि या तो वो आपसे आपकी भाषा में बात करें या आप उनसे उनकी भाषा में बात करो दोनों अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा हो गया

कैसे समझाए हम <laughs> समझ समझ के जो ना समझे समझ समझ के भी ना समझे ऐसा कुछ होता था ना क्या होता है समझ समझ के समझ के। एक मिनट देना इनको माइक देना माइक देना हाँ समझ समझ के समझ को, समझ को समझो समझ समझना भी एक समझ है समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे क्या बात है लेट्स बिग राउंड ऑफ समझ आ गया इन्होंने क्या कहा है कुछ समझने को है नहीं क्या समझ आ गया आपको क्लियर जवाब मिला आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिला सर यही है कि आप पहले जो सारी चीजें हैं खुद से पहले सारी चीजें समझ लो तब जाके किसी को जाकर नॉर्मल चीजें समझानी है कि वो जितना रिलेट करता है कि उतना ही उसको समझाना है हाँ जो वो चाहता है बस वही बातें करनी है उससे यस सर फालतू की बातें नहीं करनी है यस yes, सर जैसे अब अगर मान लो कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ बच्चा मतलब जैसे मान लो चौदह पंद्रह साल का है सोलह साल का है अब उस टाइम पर मैं उससे बातें करने लग जाऊँ बिजनेस की ऑंटोरप्रनोरशिप की इसकी उसकी तो मुझे पता है उसको कुछ समझ ही नहीं आना है उसके दिमाग में तो हारमोनल लोचा चल रहा है ब्रेन में अलग ही केमिकल्स निकल रहे हैं वो बेचारा सामने बैठ करके हूं हूं भी करता रहेगा लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑडियंस मान लो बीस पच्चीस साल की नहीं है चौदह पंद्रह साल की है तो मुझे पता है वो बच्चे को अगर मैं इधर उधर की बातें करूंगा कुछ समझ ही नहीं आएगा उसको तो ध्यान अपनी साथ वाली की तरफ है तो उससे वैसी ही कोई बात करनी पड़ेगी तब उसकी अटेंशन ग्रैब हो पाएगी तब हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगी नहीं तो हो ही नहीं सकती गुड मॉर्निंग सर आई एम नेहा फ्रॉम देहरादून सो करंटली आई एम अ स्टूडेंट बट मे बी आई वुड बी स्टेपिंग इन टू द जॉब सेक्टर इन अ फ्यू मंथ्स सो माई प्रॉब्लम इज दैट वाई आई एम स्टार्टिंग लाइक माई मार्क्स एंड द अकेडमिक रिकॉर्ड आर क्वाइट गुड As per the expectations of my parents. But uh, somewhere I feel that I'm not able to give my 100% towards it. I don't know why, but still I have that guilt feeling that I could do much better. But still I think that it's lagging somewhere. So how should I make myself to work at the, like,

much higher outside the college like the uh, the competitive examination studies like some of my friends are able to manage this college studies as well as the competitive exam preparation but somewhere i feel that i am not able to manage it properly अभी i am currently in msc final semester okay so kuch to abhi i got placed in one of the

अच्छा क्योंकि एक भाई साहब यहाँ से आए एक बहन जी वहाँ से आई एक बहन जी यहाँ से आई बहन जी चलेगा मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा चले नहीं, थो नहीं, नहीं जो भी मतलब क्या बोलूँ दीदी नहीं नामी। नाम बेटर है आई थिंक हाँ नाम इज अ गुड आइडिया नेहा नाम है आपका राइट तो द प्रॉब्लम इज कि आप ये कह रहे हो कि अब मैं ये कर रही हूँ प्लस साथ में मेरे को यूपीएससी की भी तैयारी करनी है लाइक द थिंग इज नॉट इट्स नॉट ओनली अबाउट यू पी एस सी लाइक जैसे कॉलेज के कुछ काम होते हैं दैट आई डू बट मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ लाइक स्टेइंग इन डेली अलोन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज आई कुक माई सेल्फ सो वो भी और फिर हाउस होल्ड कोर्स

चार पांच नंबर या मैक्सिमम दस नंबर तक क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ बड़े like अच्छे से तो I'm आप a, अपने को कहाँ रेट करते हो आई एम कि मुझे कोई चौबीस घंटे भी बिठा के बोले तो बस पढ़ ले बाकी सब हम कर लेंगे आई कैन डू दैट वेरी इजिली 24 घंटे? हाँ। ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा नहीं नहीं, मैं आपकी की तर... हूं। गया। आप क्या कहना चाह रहे हो 24 घंटे मतलब कहने के लिए है बट द पॉइंट इज आप दिन में 10 12 घंटे भी पढ़ सकते मतलब मैं बोर नहीं होऊंगी पढ़ाई से ये है अच्छा पढ़ाई। तो आप मतलब बहुत ही पढ़ाई में बहुत आगे की स्टेज पर हो यानी कि मतलब मे बी 100 में से अगर आपको नंबर दिए जाए

मैंने ज्यादा बोला आपने ज्यादा बोला है शुरुआत किसने करी थी ज्यादा बोलने की <laughs> एक मिनट आराम से प्रॉब्लम को समझते हैं प्रॉब्लम यह है कि आप उतना नहीं कर रहे हो जितना आप कर सकते हो पीछे से आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है सपोर्ट कर रहे हैं फिगर हाँ, uh, like, uh, like, है, तो आउट करना होगा कि क्या है जो आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलाइंड होता है अब देखो प्रॉब्लम एक ही है बट सोल्यूशन दो अलग अलग है अब जो लोग बहुत ही लीनियर तरीके से सो सोचते हैं वो कहेंगे प्रॉब्लम अभी जो इन्होंने पूछी थी वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी

तो आपका सारा टाइम चला जाएगा हाँ बट नहीं रहना है ना उसी जॉब में भी। भी थोड़ा आगे के लिए और मैं आपको गाइड हाँ. कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा पहले आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखूंगा कि आपके पेरेंट्स के पास में कितना पैसा है क्योंकि पीछे से पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर पेरेंट्स वेल ऑफ हैं यानी वो अगले दो साल तक तीन साल तक आपका खर्चा उठा सकते हैं तो उनको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है इन अदर वर्ड्स कि अगर आप अगले दो तीन साल तक लग करके किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं जहां पर के अच्छा हाई पेइंग आपको जॉब मिल जाएगी जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा एफर्टलेस है जिसमें एफर्टलेसली आपका ध्यान लग जाता है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है मान लेते मैथ्स में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है बट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स है केमिस्ट्री है वहां पर ध्यान एकदम से लग जाता है

थोड़ा अजीब लगेगा आपको क्योंकि आपकी प्लेसमेंट हो गई है राइट तो मैं जॉब के लिए मना कर दूंगा अपनी पढ़ाई जो भी एम एस सी है उसको खत्म करके लास्ट से खत्म करके मैं अपना पूरा फोकस डालूंगा अगले दो साल के लिए अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई ऐसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में जिसकी क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है जहां पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं ऐसे किसी एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा जहां पे सब लोग जा रहे हैं जिसके बारे में सबको पता है मे बी कोई ऐसी फील्ड चूज करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है हो सकता है इंटरनेशनली कुछ ऐसा हो जहां पे स्कॉलरशिप्स मिलती हो तो मैं उधर अपना एफर्ट लगाऊंगा जहां पर मेरे को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए या कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं है इतना बड़ा तो मैं कहीं ऐसी किसी जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे ग्रांट मिल जाए स्कॉलरशिप मिल जाए और थोड़ा सा पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाए और फिर मैं वहां पे से एक क्वालिफिकेशन को ले करके डिग्री को या डिप्लोमा को ले करके देन आई स्टार्ट डूइंग समथिंग बिग तो दो साल बाद जो मैं कर रहा हूँ वो उससे बहुत बड़ा होगा जो अभी अगर मैं अपने दो साल निकाल देता हूं घर के काम करने में या फिर एक जॉब करने में क्योंकि अभी अगर आपको प्लेसमेंट लगी भी है तो मान लेते हैं कि अमाउंट आपको मिल रहा है बट अगर दो साल बाद आप एक क्वालिफिकेशन ले लेते हो जो आपके लिए लेना मुश्किल नहीं है क्योंकि तो सौ में से अगर रेटिंग देखी जाए आपकी इन टर्म्स ऑफ जो भी उसको तैयारी करने के लिए वो चाहिए आपको जो स्किल्स चाहिए जो बेसिक नेचर चाहिए वो आपके पास में है तो अगर आप पूरा एफर्ट वहां लगाते हो दो साल तक और वो नहीं हुआ तो उसका बैकअप प्लान भी तैयार है कि अगर ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा बट ये उससे पांच गुना है दस गुना बड़ा है जो अभी हो रहा है तो मैं जो अभी छोटा कुछ है मेरी लाइफ में उसको सेक्रीफाइस कर दूंगा कुछ बड़ा अचीव करने के लिए देखना ध्यान से समझना जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबके पास में एक चीज है जो लिमिटेड है बल्कि दो चीजें हैं एक टाइम और एक पैसा ये दो चीजें हम सबके पास में लिमिटेड है चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है उसके पास भी लिमिटेड है वो पूरी दुनिया तो नहीं खरीद सकता ना और दुनिया के सबसे अमीर आदमी से सबसे नीचे आने में क्या देर लगती है कुछ ही दिन लगते हैं हंस क्यों रहे हो समझ आ गया क्या अच्छा नहीं मैं चाहता नहीं था कि आपको समझ आए बट ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं <laughs> तो दो चीज़ें हैं जो हम सबके पास में लिमिटेड है चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे तो कोई भी है कोई भी इंसान है इस पूरी दुनिया में टाइम और पैसा तो इसको बड़े समझदारी से इन्वेस्ट करना होता है टाइम को भी और पैसे को भी अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी आप कहोगे कि सर आपने जो आइडिया दिया उसके हिसाब से मुझे घर का काम नहीं करना चाहिए तो घर का काम कौन करेगा आप मतलब आपके घर का काम तो करना ही है तो वो कौन करेगा अरे तो वो कोई ऐसा इंसान करेगा जिसके टाइम की जो वैल्यू है उसके साथ में वो मैच होता है मान लो कोई मेड है वो आएगी खाना बनाएगी वो साफ सफाई करेगी ये करेगी वो करेगी अब आप कहोगे सर वो तो पाँच हजार रुपये लेकर के चली जाएगी तो क्या आपके टाइम की वैल्यू अगर दो साल बाद देखी जाए आज की बात मत करो आज तो जीरो है तो क्योंकि आज तो आप जॉब ही नहीं कर रहे क्या दो साल बाद आपके टाइम की वैल्यू पाँच हजार महीना है तो क्यों कर रहे हो वो काम समझे कैलकुलेट करो ना कि अगर दो साल में आप एक पर्टिकुलर इसको क्रैक करते हो तो मान लो आपको लाख रुपए महीने का मिलेगा तो लाख रुपए महीने तक पहुंचने के लिए आपको उसको अगले दो साल तक पांच हजार रुपए देना होगा पांच हजार रुपए महीना मतलब साल का कितना हो गया साठ हजार रुपए दो साल का कितना हो गया एक लाख बीस हजार रुपए तो इसको ऐसे देखो एक लाख बीस हजार रुपये आपने इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जिंदगी भर आपको लाख रुपए महीना आने वाला है बुरी इन्वेस्टमेंट है क्या तो अपने घर वालों को समझाओ ये बात प्लस जो जॉब आपने छोड़ी उसमें भी तो लॉस हुआ ना आपको दो साल तक मान लो आपने जॉब छोड़ दी और आज आपको मिल रहा है मान लो तीस हजार रुपए महीना तो साल का कितना हो गया तीन लाख साठ हजार रुपए दो साल में कितना सात लाख बीस हजार रुपए तो करी और वो सब अपने काम को डेलीगेट किया ताकि आप वन पॉइंटेड फोकस के साथ दो साल तक पढ़ाई कर सको तो टोटल लग गया दस लाख रुपए दस लाख रुपए कितने टाइम में लग गया अगले दो साल में लेकिन उस दस लाख को आपने रिकवर किया कितने टाइम में अगले दस महीने में जॉब लगते ही कहां बुरी है, ये तो है, है जब घर वालों को बात तो उनको समझ आएगी नहीं आएगी आए। कितनों को, कितने को समझ आएगी, कितने नहीं आएगी बट कोशिश की जा सकती है करियर हमेशा ऐसा चूज करो जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो सप्लाई कम हो यानी कि जो हर एक की नजरों में ना हो अगर कोई ऐसा करियर आप चूज कर रहे हो जो सभी कर रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसमें दैट इज अ फैक्ट यस सर क्लियर हुआ कुछ हाँ क्या बताओ वही कि हमें मतलब अभी ये देखना पड़ेगा कि किस में हमें थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट करके हमें बेटर बेनिफिट मिल सकता है चाहे हमें थोड़ा सा अभी कुछ प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट फायदों को सैक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े प्लीज है सर मैं आपके रिलेशनशिप से मतलब बहुत इंस्पायर्ड हूँ जैसा आप, आपके और रुचि मैम के ठीक है सर हम भी ऐसे स्कूल में मिले थे ट्वेल्थ क्लास में हम मतलब कौन <laughs> <laughs> आप और वो लड़की या लड़का लड़की सर लड़की <laughs> कह रहे पूछना ठीक रहता है मतलब यू नेवर नो आप उस लड़की से लड़की से स्कूल में मिला स्कूल में मिले थे ठीक है बहुत सुंदर आगे उसके बाद में फिर सर हमारा मतलब ढाई साल तक रिलेशनशिप चला और फिर ब्रेकअप हो गया थोड़े टाइम पहले ठीक है <laughs> सुनने दो अभी हंस क्यों रहे उन? तुम और तुम लोगों के तो अंदर फीलिंग और इमोशनल नाम की चीज़ है या नहीं है तो सर मतलब बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था शुरू में तो सबका ही बढ़िया चलता है बढ़िया चला उसके बाद में फिर प्रॉब्लम शुरू हुई और अब मतलब खत्म हो गया ब्रेकअप हो गया हाँ तो इसमें नई बात क्या है 99% लोगों का यही होता है मतलब इसमें नई प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम तो खत्म हो गई ना प्रॉब्लम तो खत्म हो गई सर लेकिन मूव हाँ। ऑन नहीं हो पा रहा हूँ ना मैं मतलब आ, कितने टाइम पहले हुआ ब्रेकअप 29 अप्रैल को हुआ था इस 2022 अभी तक मूव ऑन नहीं हो पा रहे नहीं तो यहां थोड़ी नजरें दौड़ाओ यहां पर भी कुछ ऐसी होंगी जिनके ब्रेकअप हुए होंगे और बेचारी मूव ऑन नहीं कर पा रही होंगी आप उनकी हेल्प करो आपकी हेल्प करेंगी मूव ऑन करने में हाँ सर मैंने यही सोचा था लेकिन फिर बात है ना उसके लिए पैसे चाहिए <laughs> पैसे क्यों चाहिए अच्छा रो ठीक है सर पैसे भी नहीं चाहिए लेकिन हाँ ठीक है शकल भी चाहिए भाई एक मिनट

ये पार्ट रखिए एडिट कर दे। रखलो सर रख रख ठीक है और भी सर बहुत सारी चीजें जो मैं मतलब शेयर आपके बच्चे भी देखने वाले इस वीडियो को हाँ। मैं वैसे इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलाता हूँ लेकिन जो दोस्तों ने वो लोग मतलब दिखा देता कि भाई देख तो फिर मतलब वो देख के मूव ऑन नहीं हो पाता है और ये वैसे आप लोग हंस रहे हो लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है देखो ध्यान से समझो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो गया है प्रॉब्लम ये है कि अगर मानो उसकी किसी और के साथ फोटो डल जाती है तो वहां पे असली प्रॉब्लम होती है सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं <laughs> 100% सही है 100% सही है सर आपने दुखती हुई नस दबा दी सर <laughs> सर हर चीज ना मतलब हर चीज मतलब उसी की मतलब याद आ रहा हूँ सर मतलब हर चीज मतलब उसी की मतलब कुछ भी ले भाई मतलब दिमाग वहीं रहता है चौबीस घंटे आई थिंक जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ये है कि अभी आपके पास में कंस्ट्रक्टिव और कुछ नहीं है करने के लिए कि आपकी पूरी एनर्जीज कहीं एक जगह पे लगाने के लिए नहीं है जिस वजह से आपकी एनर्जीज वहां पे जा रही है क्या मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ अभी आप क्या कर रहे हैं आज चैनल में वो भी करता हूँ और मेरी जॉब मतलब जॉब भी कर रहा हूँ अभी मैं आप जॉब कर रहे हो और साथ साथ में अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो

पाँच साल में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो गए फाइनेंशियली फ्री होने की दिक्कत नहीं सर वो तो बहुत सारे तरीके हैं आपके वीडियो देखता हूँ और वीडियोस वीडियोस की बात नहीं है सर, वीडियोस की बात बात नहीं नहीं है है सर मतलब मेरी जो वीडियोस आपने देखी है वो वीडियोस मैंने बनाई है अपने परस्पेक्टिव से यानी जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है उसके बेस पे और मेरी एज आपकी एज से बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट डबल है तो मैंने लाइफ को बहुत सारे अलग अलग एंगल से देखा है तब जा कर के मैं कुछ बोलता हूँ तो आप ये मत समझो कि अगर मैंने बोल दिया कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं तो मतलब हलवा है कि आप जाओगे और जा करके कोई भी काम करोगे और वहां से एकदम पैसे की बारिश होने लग जाएगी ऐसा नहीं होता है yes, उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं ये भी yes, sir. बोला ना मैंने अपने में yes, तो फेलियर की गुंजाइश कहाँ है आपके पास में क्या पीछे फाइनेंशियली बहुत पैसा है आपके पेरेंट्स के पास नहीं, में। सर। नहीं है तो फिर क्या करोगे फैमिली को सस्टेन करने के लिए पहले जॉब करनी पड़ेगी जॉब आप छोड़ नहीं सकते और अब आप कह रहे हो कि मैं और कुछ करके वहां से पैसा कमा लूंगा वो तो बहुत आसान है अरे नहीं आसान चाहते आप क्या हो पांच दस साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो पॉसिबिलिटी क्या है कि अभी जिस ट्रैक पे चल रहे हो यानी एक साल पहले जो हुआ था उसको याद कर रहे हो वो माइंड में चलता रहता है इधर से जॉब चलती रहती है उधर से पीछे फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कोई तगड़ा नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी तगड़ी नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो भी आप सोच रहे हो दस साल क्या वो बीस साल में भी अचीव होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है लेकिन मेरी वीडियो देख करके एडिजन क्या क्रिएट हो गई अरे वो तो बहुत सारे तरीके हैं हो जाएगा कैसे हो जाएगा एक तरीका बताओ मुझे क्या प्लान है मी वन गुड आइडिया जिसके बेस पे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे और मैं उसी आइडिया में अभी फ्लॉ निकाल दूंगा मैं कहूंगा यहाँ से आपको दस लाख रुपए आने वाले नहीं है दस लाख रुपए डूबने वाले हैं अब बताओ क्या करोगे सर ऐसा कोई आइडिया तो नहीं मतलब आइडियाज तो बहुत सारे जैसे कि मैं मैंने जब आ, मेरी ट्वेल्थ कम्प्लीट हो गई थी ट्वेंटी 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 में तो उस टाइम पर मैंने मतलब खुद डिसीजन लिया था कि नहीं इसके आगे मेरे को नहीं पढ़ना है तो वो मैंने ऐसे ही नहीं लिया था मतलब बहुत कुछ देख के लिया था कि मतलब जो कुछ भी काम कर रहे वो लोग भी बहुत पैसा कमा रहे हैं दिन का आराम से जैसे कोई दरवाजा भी लगाना है तो वो सिर्फ एक घंटा काम करते हैं और पाँच सौ रुपये लेते हैं एक दरवाजे का और अगर वैसे दस दरवाजे भी जाकर लगाएंगे तो उनका दिन का मतलब आराम से बहुत पैसा हो जाता है तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम देखे थे ऐसे छोटे छोटे और मेरे को पता था कि हाँ ये बहुत कुछ हो सकता है ऐसे ही और वो लोग जो कर रहे वो लोग सिर्फ लो ये करते हैं वो लोग सारा काम खुद ही करने का सोचते हैं तो लेकिन अगर मैं मैं कुछ भी कर, मैं कर लूंगा आराम से कोई दिक्कत नहीं एक महीना भी नहीं लगता ये सीखने में जो वो काम करते हैं हाँ। और मैं उसे मतलब जो टीवी भी लगाने आते हैं घर में और बहुत सारी हाँ। चीज़ें हैं वो टाइम नहीं लगता सीखने में और वहाँ पे पैसा अच्छा है लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ही कर लूंगा सारे और वो लोग सारे वही कर रहे हैं मैंने बहुत देखा है तो वो लोग कर सब मैं ही करता हूँ लेकिन अगर ऐसा कुछ मैं कर दूँ कि हाँ मैं करूँ पहले और फिर साथ में अपनी टीम बढ़ाते चले जाऊँ तो ऐसे बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है हर चीज़ में बहुत सारी फील्ड्स में अब देखो अब मैं बता देता हूँ आपके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है एक्जैक्टली exactly, आपके साथ में नहीं हो रही आई एम श्योर मेरी जो वीडियोज देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही होगी देखो हुआ क्या है कि मैं एक बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर लेवल से और वो जो लेवल है वो मैंने अचीव किया है बेस्ड अपॉन अ लॉर्ड ऑफ हार्ड वर्क लॉर्ड ऑफ स्मार्ट वर्क लॉर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड ऑफ नॉलेज लॉड ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गलतियां करके बहुत सारे लॉसेज उठा करके तब जाकर के मेरी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आपने वो सब सुन लिया और सुन करके आपके माइंड में क्या आ गया हाँ इसमें क्या बड़ी बात है एक दरवाजा लगाना है महीने में मैं सीख जाऊंगा उसके बाद में मैं उसके बाद में मैं मैं दरवाजा लगाऊंगा उसके बाद आगे मेंस बंदे रख दूंगा वो वो दरवाजे लगाएंगे और उसके बाद में ये हो जाएगा वो जाएगा ये सब हवा में है प्रैक्टिकली जब आप जाओगे ना और जाकर के दरवाजा लगाने की बात करोगे किसी से वो आपको अपने घर के अंदर घुसने क्यों देगा तो अगर ग्राउंड लेवल पर आप देखोगे रियालिटी कुछ और है बट आपके माइंड में क्या हो गया है आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ करना तो बहुत आसान है तो ये तो मैं कभी भी कर लूंगा एक्चुअल में कुछ नहीं किया है तो अब क्या करना है देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में मैं जो समझ पा रहा हूं ना आपकी वो नहीं है कि ब्रेकअप हो गया और ये भूलना कैसे है। क्या करोगे भूल के अगर याद आती भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है कुछ ऐसी जगह पे ध्यान लगाओ ना कि टाइम ही ना हो ऐसा फालतू का कुछ भी सोचने के लिए अब चैलेंज क्या है कि आपके माइंड में तो ये बन गया है कि ये बिजनेस करना पैसा कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है चाहे मेरे पास में कुछ हो चाहे नहीं हो ऐसा रियलिटी में नहीं होता है नंबर वन तब होता है या उन लोगों के लिए होता है जो इतना एफर्ट करे उस चीज को सीखने में और सिर्फ उस चीज को नहीं उससे रिलेटेड जो भी कुछ है उस सब को सीखने में जिसकी कोई हद नहीं है तब जाके काम होता है yes, अगर आप ही के एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहां पर गेट लगाना है तो गेट तो वो लगाएगा ना जो हमारा इंटीरियर वाला है yes, या जो बंदा ठेकेदार है या जो आर्किटेक्ट है तो आप तो इसमें से कुछ भी नहीं हो तो आप क्या हो आपसे गेट कोई क्यों लगवाएगा और अगर आप एक कारपेंटर हो तो आपकी दिहाड़ी है एक दिन की दस हजार रुपए नहीं मिलेंगे आपको दिहाड़ी के पांच सौ रुपए सात सौ रुपए हजार रुपए और जब शुरू करोगे तो शुरू के दो चार पांच साल तक तो आप किसी को असिस्ट करोगे एक महीने में क्या सीखोगे एक महीने में तो थियोरोटिकली सीखोगे प्रैक्टिकली सीखने में हाथ साफ होने में दो तीन साल चार साल लग जाएंगे अभी माइंड में क्या हो गया आपके ये तो ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा वो लोग ऐसे करते हैं ये वो थोरटिकली मेरी सारी बातें समझ आ गई प्रैक्टिकली कुछ भी समझ नहीं आया थेटिकली समझ आ गई स्विमिंग क्या होती है प्रैक्टिकली स्विमिंग नहीं आती है पानी में कभी उतरे नहीं है तो जब पानी में उतरोगे तब समझ आएगा खेल चल क्या रहा है कि एक जो कारपेंटर जिसके पास में एक्चुअल में काम होता है उसके पास में दो चार पांच असिस्टेंट्स होते हैं उन असिस्टेंट्स को दिन के कुछ पैसे मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और लोकेशन जहां पर आप रह रहे हो उस हिसाब से रेट होता है किसी ऐसी जगह पर हो जो रिमोट एरिया है तो वहां पर दो तीन सौ रुपए चार सौ रुपए और अगर आप यहां पर हो दिल्ली में एनसीआर में पांच सौ रुपए छह सौ रुपए मैक्सिम सात सौ रुपए आठ सौ रुपए एक दिन का वो भी बारह बारह घंटे काम करना पड़ता है कई बार yes, sir. तो महीने का कितना हुआ बीस हजार रुपए सर वो तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था कोई <laughs> तो और एग्जांपल दो <laughs> नहीं सर समझ गया मतलब बात समझ गया मैं आपकी बात समझ आई yes, sir. क्या समझ आई स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा और जो अपन जैसा सोचते हैं अपनी

वो वैसा नहीं है जैसा आपको टीवी में दिख रहा है या मेरी बातों में दिख रहा है या यहाँ दिख रहा है वहाँ दिख रहा है वो तो थेटिकल बातें हैं वो तो तब आपके काम की है जब आप एक्चुअल में कुछ कर चुके हो डेलीगेट तो तब करोगे ना जब खुद एक लेवल पे पहुंच जाओगे समझ गए सर माय क्वेश्चन इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप अब यहाँ पे बहुत सारे करियर क्वेश्चंस हो गए तो मैं उसको ड्रॉप कर रही हूँ सर मेरे साथ ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ना फेयर ऑफ लूजिंग है और स्पेशल उसका कॉन्टेक्सट ये है मेरा सिबलिंग है मेरा भैया है तो अब क्या है कि मैं ना उसके साथ इतना ज़्यादा रहती हूँ इतना काइंड kind ऑफ of कह सकते हैं डिपेंडेंट है या जो कुछ भी है अगर करियर को लेकर इसमें जाएँ तो जैसे मैंने ट्वेल्थ के बाद जो कुछ भी खुद खुद का बहुत सारा प्लानिंग किया डिज़ाइनिंग मैंने अपने चीज़ों को खुद से किया उस डिज़ाइनिंग को जो फाइनल टचअप होता है हर चीज़ का ना वो मुझे देता है और ये सब बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं तो आ, अब जब मैं जब से कॉलेज आई हूँ ना ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ मतलब मेरा अपना खुद का है तो मैं वो क्रिया वगैरह करती हूँ तो वो मतलब मुझे ना तब बहुत अचानक से मैं ओवर इमोशनल हो जाती हूँ मतलब काइंड ऑफ मेरे को रोना भी आ जाता है कि मुझे लगता है कि अब मैं उससे दूर हो गई हूँ ऐसे टाइम विथ पासिंग टाइम मैं उसको मतलब दूर हो जाऊँगी तो खो दूँगी खो दूंगी इन द सेंस व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय दैट मतलब धीरे-धीरे जैसे अभी क्या है कि अभी डिस्टेंस uh, मेंटेन हुआ है मतलब अभी फिजिकली दूर हुए हैं तो अभी से वो लगता है कि मतलब अभी वो भी बड़ा हो जाएगा उसकी लाइफ सेट हो जाएगी उसकी शादी हो जाएगी हाँ, उसकी वाइफ तो, आ जाएगी हाँ वो मेरे रही? से अलग हाँ, हो जाएगा वो तो होना ही है <laughs> <laughs> पर, <laughs> साफ कहना सुखी रहना मतलब वो तो होना ही है देखो उसकी अपनी लाइफ एक अलग ट्रैक पे Sir, निकलेगी वो होना है वो मैं एक्सेप्ट करती हूं, right. बट ये चीज मतलब क्यों ऐसे मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे बिल्कुल जब भी मैं हल्का सा भी सोचती कि वो मेरे से दूर हो जाएगा और उसकी प्रायोरिटी कुछ और भी हो जाएगी जो कि नेचुरल होनी होना भी चाहिए हाँ. वो मुझे एक्सेप्ट है बट वो चीज़ उन चीज को मैं साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ मतलब मैं जब भी वो इमेजिनेशन मेरे में आती कि फोर ईयर्स बाद आफ्टर मैं कैसे अपने आप को देख रही हूँ वो कैसे अपने आपको अपनी लाइफ में ग्रो करेगा मैं कैसे आगे जाऊंगी तो वो उस चीज से मैं सेपरेट आउट नहीं कर पा रही हूं खुद को आपको लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप वो सो गुड क्योंकि आपका जो बड़ा भाई है उन्होंने बड़ा आपकी केयर करी होगी बहुत ध्यान बहुत रखा होगा हमेशा आपको सपोर्ट किया अनकंडीशनली हमेशा आपके साथ में रहे तो आपको लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट दैट अ रिलेशनशिप कैन बी और अगर ये भी नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में है क्या ये फंडामेंटली डीपली हमारे अंदर रूटेड होते हैं ऐसे जो थॉट्स होते हैं ऐसे बिलीव्स होते हैं बट ऑल आई कैन से इज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द फ्यूचर इज अननोन फ्यूचर इज अननोन आज आप कितने साल के हो आपकी एज कितनी है 20 जब आपकी एज होगी 30 40 तो क्या उस वक्त आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है या जो स्टेट ऑफ लाइफ है क्या वो सब एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसा अभी है या सब कुछ बदल गया होगा सब कुछ बदल जाएगा कितना बदलेगा बहुत बदल जाएगा सब कुछ बदल जाएगा, कुछ बदल जाएगा. तो द फ्यूचर इज अनोन फॉर यू तो जब आपको नहीं पता है और उससे रिलेटेड एक थॉट ही है जो माइंड में आप प्लांट कर सकते हो तो जब कुछ करना ही है तो कुछ अच्छा ही प्लांट करते हैं ना सर वो करना है वो प्लान भी करना है बट अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका रूट क्या है फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग हाउ टू सॉल्व दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से देखो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना आपकी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो क्या है कि आपका जो पास्ट है उसमें जो रिलेशनशिप रही है आपकी आपके भाई के साथ में या पेरेंट्स के साथ में जो भी रिलेशनशिप रही है वो बहुत अच्छी रही है तो उसको खोने का डर आपके अंदर पैदा हो रहा है क्यों उसकी जड़ क्या है क्योंकि तो आपको ये लग रहा है बेस्ड अपॉन योर प्रेजेंट कि मेरा जो फ्यूचर है उसमें जब ये रिलेशनशिप भी नहीं रहेगी तो फ्यूचर में मैं कहीं बिल्कुल ही अकेली ना हो जाऊं दैट सेंस ऑफ लोनलीनेस दैट सेंस ऑफ आइसोलेशन दैट सेंस ऑफ नथिंगनेस इज देयर रिलेटेड टू द फ्यूचर फ्यूचर से रिलेटेड एक थॉट प्लांट करो अपने माइंड में अभी की अभी यही मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला सत्य है किसी को नहीं पता पर जो भी होगा पास से अच्छा ही होगा क्योंकि अभी तक लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट फेज था लाइफ का पर दिस इज नॉट द बेस्ट फेज माई लाइफ इज गोइंग टू बी मच बेटर अभी बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप्स है जो मुझे एक्सप्लोर करनी है फ्यूचर में माय फ्यूचर इज गोइंग टू बी टाइम्स बेटर बेटर देन माय माय पास्ट आई बिकम अ वर्जन ऑफ सेल्फ इन द फ्यूचर दिस इज अ बेटर वे टू लिव पास्ट को आप पकड़ करके बैठे रहोगे तो फ्यूचर में कैसे जाओगे फियरलेसली वो पास्ट आपको बार बार रोकेगा फ्यूचर में जाने से क्योंकि फ्यूचर में जब आप जाओगे किसी भी रिलेशनशिप में तो बार बार आप कंपेयर करोगे प्लस उस वक्त वो भी आपके साथ नहीं होंगे राइट right? उनकी अपनी एक अलग रिलेशनशिप होगी देखे। अलग प्रायोरिटीज होंगी अलग तो एक देखे तरफ देखे। से वो भी नहीं है दूसरी तरफ से कोई और आया उसके ऊपर बेचारे के ऊपर प्रेशर आ गया टू लिव अप टू दैट लेवल तो वो भी बेचारा मारा गया वो भी फंस जाएगा या फंस जाएगी वॉट जो भी इंसान आएगा आपकी लाइफ में उसके लिए भी प्रॉब्लम जो पास्ट में वो थे उनके लिए भी प्रॉब्लम क्योंकि अब वो क्या करें अब वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे एक तरफ से उनकी अपनी एक अलग प्रायोरिटी होगी एक तरफ से आप होंगे तो अब वो क्या करेंगे तो उनके लिए भी कॉम्प्लिकेशन तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं बोलो कि मुझे नहीं पता कल क्या होगा दस साल बाद क्या होगा मुझे नहीं पता बट आई नो इट फॉर श्योर दैट एट ऑफ एज थर्टीज लाइफ लाइफ मतलब इट इंक्लूड एवरीथिंग फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ गया रिलेशनशिप भी आ गया फैमिली भी आ गई ये भी आ गया वो भी आ गया इट्स गोइंग टू बी मच बेटर देन देन इट इट इज नाउ इन द पास्ट उससे बेटर होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता बट इज गोइंग टू बी बेटर इज अ बेटर वे टू लिव और अपने को ऐसे बोलो कि वो इससे अलग होगा अब आप क्या कर रहे हो रियालिटी के बेस पे बातें बोल रहे हो अपने को। नहीं तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे आपको खुद भी नहीं पता लगेगा ये बहुत तेजी से होगा आप ये एक्सपेक्ट करोगे जैसी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला होगा तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे बार बार कंपेयर करोगे उसी केयर से उसी लव से उसी अफेक्शन से जो आपको मिला अनकंडीशनली फिर उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा आप बार बार कहोगे दुनिया है ही बेकार तो अब हो क्या रहा है एक तरफ से वो भी छूट गए दूसरी तरफ से कोई नई रिलेशनशिप बनने के लिए नहीं बाकी रहा। so कि वो पास था. आपका अच्छा गया बहुत बड़ी बात है बहुत भाई भी अच्छे नहीं होते हैं राइट यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे भाई मेरी बहन ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे माँ बाप चौबीस घंटे उसी से मेरे को कंपेयर करते रहते हैं कि नहीं

लेट मी फिगर इट आउट फ्यूचर क्रिएट होता है जो आप थॉट्स अभी अपने माइंड में प्लांट करते हो उसके बेस पे आर लाइक सीड्स जो आप प्लांट कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड आप बोलोगे जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है तो लाइफ ही बनती चली जाएगी आप बहुत सारे लोगों से मिलो जाकर पूछो भाई क्या हाल अरे कट रही है क्या कट रही है भाई तेरी ऐसे लोगों की लाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो दस साल बाद उनकी लाइफ कैसी होगी बढ़िया हो जाएगी एकदम से कटी जाएगी पूरी तरह से हमेशा अपने फ्यूचर को अपने हाथ में रखो इवन इफ इट्स नॉट इन योर हैंड इन रियलिटी अब ये कॉन्ट्रोडिक्शन आएगा यहां पे बहुत बड़ा आप कहोगे यार दोनों बातें कैसे हो सकती है? हो हैं हो सकती है एक सत्य क्या है कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल कल नहीं पता क्या होने वाला कल मर जाए तो दूसरा है कि हो सकता है कल ना भी मरे मर जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है खेल खत्म बट अगर नहीं मरे दस साल तक तो बीस साल तक तो पचास साल तक तो उसको प्लानिंग बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग समझ गए ना आप कहते हो अरे कल मरी जाना है तो क्या पड़ता उड़ादो, उड़ादो दो, है दो 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 पैसे खर्च तू खा पी मस्त ये वो वटेवर तो ऐसे लोग जब नहीं मरते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके उनके खुद के लिए भी और घर वालों के लिए भी अब फ्यूचर में एक तरफ से तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है एक तरफ से सब कुछ आपके हाथ में है दो पॉसिबिलिटी हो गई एक कि दस साल बाद बीस साल बाद

जो मेरा नजरिया है प्रेजेंट को देखने का और पास्ट को देखने का उसके बेस पे मेरा फ्यूचर क्रिएट होगा उसके बेस पे मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है तो एक एंगल से देखा जाए तो फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है बट एक और एंगल से देखा जाए तो फ्यूचर हमारे हाथ में है अच्छा अब एक और इंटरेस्टिंग लेयर दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ दिस थिंग देखना ध्यान से समझना कितना परसेंट फ्यूचर आपके हाथ में है और कितना नहीं है ट्वेंटी परसेंट मतलब ट्वेंटी परसेंट आपके हाथ में है और एटी, नहीं। एटी नहीं है नहीं। मेरी अगर आप कैलकुलेशंस देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो 99.99 परसेंट .99 आपके हाथ में है और पॉइंट जीरो हाथ में नहीं है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया की सारी इंश्योरेंस कंपनीज बंद हो जाती ध्यान से समझो आप पांच हजार रुपए प्रीमियम में पे करते हो टर्म इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कितने की मिलती है एक करोड़ की क्यों दे पा रहे हैं वो बीस परसेंट लोग मर जाएं तो कंपनी बंद हो जाएगी तो कंपनी को पता है कि आपके मरने की क्या पॉसिबिलिटी है और आपके जीने की क्या पॉसिबिलिटी उस पर दाव लगा रही है आपको खुद को नहीं पता है मतलब आपके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से जाकर के पूछ सकते हो वो एक्यूरेटली बताएंगे आपको बेस्ड अपॉन डेटा तो इसका मतलब 99.99% लाइफ आपकी 20 साल बाद जो होने वाली है वो आपके हाथ में है सिर्फ पॉइंट जीरो वन परसेंट पॉसिबिलिटी को हटा दो तो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी